बिजनेस फॉर जेमिनी। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि यदि आपकी मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है तो कौन कौन से व्यापार आपको करने चाहिए जिससे जीवन में आपको भरपूर मात्रा में सुख समृद्धि मिले, व्यापार दिन दूने रात चौगुने आपका बढ़े और करोड़पति से लेकर के अरबपति तक आप व्यापार के जरिए बन सकें। तो यदि आपकी मिथुन लग्न है तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो व्यापार है वह डिपेंड करता है गुरु जी के शुभता और अशुभता पर। यानी कि यदि आपके कुंडली में गुरु शुभ है अवस्था में हैं तब आप बिजनेस में सफल होंगे, अन्यथा आपको नौकरी की तरफ ही रुख करना होगा। गुरु आपकी कुंडली में सप्तमेश भी होते हैं और दूसरी चीज दशमेश भी होते हैं। सातवां भाव हमारे व्यापार का होता है, साथ ही साथ पार्टनरशिप का भी होता है और दसवां भाव हमारे कर्म का होता है। दोनों ही डिपार्टमेंट जब गुरु के पास हैं तो ऐसे में आपको गुरु से संबंधित व्यापार करने चाहिए ताकि आपको दिन दूने रात चौगुने तरक्की मिल सके। तो यदि आप मिनिस्टर बनना चाहते हैं शानदार आपके लिए रहेगा। टीचिंग से जुड़ करके कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं, ट्यूटोरियल जो ट्यूशन वगैरह लोग लेते हैं, या आप स्कूल खुलवा सकते हैं, इस प्रकार का यदि कोई आप काम करते हैं विशेष सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, स्कूल का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पूजा पाठ की दुकान आप खोलना चाहते हैं, साथ ही साथ खाद्यान्न सामग्री का यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं जैसे बड़ा किराना स्टोर वगैरह हो गया तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा फलों का व्यापार करना मिथुन लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सोने का व्यापार आप कर सकते हैं, पीतल का व्यापार कर सकते हैं, हाथ की कारीगरी आप कर सकते हैं, डिजाइनर बन सकते हैं, फ्रूट प्रोडक्ट्स का आप बिजनेस कर सकते हैं, पशुपालन का व्यापार आप कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा का किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो वो आप यदि करते हैं तो आपको विशेष ऊंचाइयां हासिल होंगी। इसके साथ ही साथ फूलों का व्यापार भी यदि आप करें तो उसमें भी भारी मात्रा में आपको लाभ देखने को मिलेगा। पीली चीजें जितनी भी हैं आप उन सभी का व्यापार कर सकते हैं। अगर सही व्यापार किया जाए तो कोई भी लग्न हो जातक को विशेष ऊंचाइयां मिलती हैं। वैसे व्यापार और भी हो सकते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, लेकिन कुछ मैंने प्रमुख व्यापार आपको बताए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।